में छह पॉइंट तीन है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है, तो दो त्रिभुज हमने बना लिए, संगत कोण बराबर है, तो कौन कौन सा कोण किसके बराबर मान लिया, ए बराबर है पी के, बी बराबर है और सी बराबर है, ये क्योंकि बराबर है तो बराबर मान के ही चलेंगे। त्रिभुज ए बी सी ये समरूप का निशान है, मैंने बताया था यस सर, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, नहीं अभी समरूप नहीं, अभी केवल कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, यानी कोण ए बराबर है कोण बी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के और कोण सी बराबर है कोण आर के, तो ज्यादातर दो के बाद जो आती है चीजें प्रमेय में वो निष्कर्ष होते हैं या वो चीज होती है जो आपको सिद्ध करना होता है, बेटा आप लिखना अभी लिखना बात इधर, ज्यादातर जो सिद्ध करने वाली चीज जो हमें सिद्ध करना है, यानी प्रमेय हमें क्या सिखा रही है, प्रमेय सिखा रही है कि भाई आपके पास दो त्रिभुज, उन दो त्रिभुजों में एक कोण दूसरे कोण के बराबर है, दूसरा दूसरे के बराबर है, तीसरा तीसरे के बराबर है, तो क्या क्या हो सकता है, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, यानी अगर कोण बराबर होंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, यानी जब भी सवाल में हमें कोण बराबर मिल जाएंगे हम तुरंत उस त्रिभुजों के संगत अनुपात को बराबर ले सकते हैं, ये अधिकार आपके पास इस प्रमेय को करने के बाद आ जाए, समझ में आ गई बात। अब संगत भुजा कौन सी होंगी, कोण ए के सामने ये भुजा इस कोण के सामने ये, डबल वाले के सामने ये है, इसके सामने ये है और इसके सामने ये भुजा और इसके सामने, तो अगर किसी त्रिभुज में आपको सवाल में दे दिया कि दो कोण तीन कोण आपस में बराबर है, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या आएगा, ए बी बटा पी क्यू बराबर होना चाहिए, ए सी बटा पी आर बराबर होना चाहिए, बी सी बटा सवाल हम चक्कर दो त्रिभुज देगा उसके दो कोण बराबर दे देगा, तीन कोण बराबर दे देगा और हम तुरंत समझ जाएंगे कि भाई इसके तीन कोण बराबर है, और हमने फिर में पढ़ रखी है कि यदि किसी त्रिभुज के तीन कोण आपस में बराबर हो, संगत कोण दूसरे संगत कोणों के बराबर हो, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी तुरंत रिजल्ट निकाल लें, और ये हम तीन चार बार निकलवा चुके हैं, समझने में ज्यादा दिक्कत आनी चाहिए। और क्या कह रहा है, और इसलिए समरूप त्रिभुजों की परिभाषा क्या लिखी थी आपने, आपको ध्यान हो समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, ये परिभाषा हमने लिखवाई थी, तो बताया था कि वो त्रिभुज समरूप होते हैं जिनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी भुजाओं के अनुपात भी दोनों बातें एक साथ होंगी, तब कैसे हो जाएंगे दोनों त्रिभुज समरूप। यहाँ क्या बताना चाह रहा है बहुत ध्यान से समझो, यहाँ ये कह रहा है कि अगर कहीं तीन कोण आपस में एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के तीन कोणों के बराबर है, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है, बस इतनी सी ही बात से, केवल इतनी सी बात से आप तुरंत उन त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात को बराबर ले सकते हैं, यह अधिकार आपके पास आ जाएगा। तो सवाल कैसे बनेगा, कोण देगा दो त्रिभुजों के बराबर और आपसे क्या कहेगा, बोले भाई संगत भुजाओं का अनुपात निकाल दो, आप तुरंत कहेंगे ये कोण बराबर है, जांच लेंगे ये कोण इसके बराबर है तो इसके सामने वाली भुजा इसके सामने वाली भुजा के नीचे आएगी, ठीक है, और दूसरे किस त्रिभुज की भुजा इसके सामने है तो इसके बटे में इसके सामने वाली भुजा आएगी, ये संगतता पहचान लेंगे, तुरंत संगत भुजाएं का अनुपात आप बराबर लेते हैं, जैसे ही इसे बराबर ले, ये कहां से बराबर आया, क्योंकि कोण बराबर है, तो फिर मैं भी यही कह रही हूं संगत कोण बराबर है तो आप तुरंत कहेंगे कि भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। और समरूप त्रिभुज की परिभाषा क्या कहती है, कि अगर कोण संगत कोण बराबर है साथ साथ संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है तब दो त्रिभुज समरूप, यानी तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर, ये फिर मैं बता दें कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया, यानी आप इतना अगर दिया हुआ करेगा तो इतना अधिकार आपके पास आ जाएगा, कभी कभी हम सीधे यहां भी पहुंच जाएंगे, भाई उसने कह दिया कि त्रिभुज के कोण बराबर है संगत, तो हम कहेंगे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होते ही वो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे समरूप, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर कोण बराबर है तो त्रिभुज समरूप, हम डायरेक्ट भी देखा था कह सकते हैं, बात समझ आ रही है,
क्लियर हो रही है नहीं भाई? उसने ये कहा कि यदि, अरे ये तो हिंदी समझ में आती होगी, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, संगत का मतलब ये है कि ये वाला इसके बराबर, ये इसके संगत है, ये इसके संगत है और ये इसके संगतता मैंने समझाई दिया। अगर भूल गया हो तो वो त्रिभुज वाला वीडियो दोबारा देख लेना, आपको संगतता बहुत अच्छे से समझाएगी। तो अगर ये दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं, इतनी बात तो उसने बता दी, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होंगे और साथ साथ दोनों त्रिभुज समभुज होंगे। तो कभी कभी हमें सवाल में भुजाओं के अनुपातों की आवश्यकता नहीं होगी, तो हम कोण के बराबर होने पर के बाद सीधे सीधे त्रिभुजों को समरूप लेंगे। बात समझ आ रही है? ये मैं कहना चाहता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गई आपकी ए ए ए कसौटी, ए ए ए क्यों? क्योंकि यहाँ हम तीन कोण के आधार पर ये बात कह रहे हैं कि भाई तीन कोण बराबर हैं तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और त्रिभुज भी समरूप हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? कितना होता है? 180। जोर में आवाज आ रही है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। वो एक कोण का 60 जो होता है वो समबाहु त्रिभुज में होता है। समबाहु त्रिभुज केवल समबाहु और किसी में हो तो जरूरी नहीं है, ठीक है? अब एक जरा बात बताओ मुझे, अगर एक त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज, ये कोण है 60 और ये कोण है 30, ये कोण 60 है और ये कोण 30, किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो त्रिभुज का तीसरा कोण निकलेगा कैसे? सर 130 योग कितना है? तीसरा दो पता है, तीसरा कैसे निकलेगा सर? तीसरा कितना आ जाएगा और यहाँ कितना आएगा? यहाँ भी निकल गया। अच्छा बदल दो इनको, एक को 80 कह दो, एक को 40, ये 80 हो गया, ये 40। अब बताओ तीसरा वाला कितना है? यानी अगर इन दोनों कोणों को बराबर ना करें, खाली दो ही तो बराबर पता है सर, तो तीसरा अपने आप ही बराबर। अब हम और पहले तो हमने समरूपता में खाली तीन कोणों को लेकर त्रिभुजों को कह दिया समरूप होंगे, अब और छोटा कर दो इसे। जब दो कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है, तो तीसरा वाला अपने आप ही बराबर निकल के आता है सर। तो कोण 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 कहने की क्या जरूरत है? कोण कोण कह दो सर, एंगल एंगल कह दो, खाली दो कोणों से ही हम समरूपता कह सकते हैं। अरे बात समझ में आ गई? तो ये कसौटी और छोटी हो जाएगी और उसका नाम हो जाएगा क्योंकि दो संगत कोण समान हो तो त्रिभुजों में तीसरा संगत कोण समान होता है। अभी तो बताया मैंने ये अतः ए ए ए समरूपता कसौटी को ए ए समरूपता कसौटी के रूप में भी मैं प्रयोग कर सकते। सोचो कितनी बड़ी बात तुम्हें पता लग गई। आपने सर आपने दो बार ये लिखाया है इसमें बता। मैंने बताया कि अगर आपके पास दो त्रिभुज हैं, ये दो त्रिभुज हैं, इसका ये वाला कोण मान लो है 110 को मतलब 70, ये वाला कोण भी 70 है, ये वाला कोण आपके पास है 60, ये वाला कोण भी आपके पास 60 है, तीसरा कितना आएगा? 50। अगर ना निकालू, ना निकालू तो तीसरा कितना आएगा? 50 ही आएगा। इसका कितना आएगा? 50। लिख नहीं रहा अभी मैं, लेकिन बिना लिखे भी तीनों का
का योग 180 होता है और इन दोनों का योग 130 आएगा, तीसरा इसका भी 50 आएगा और इसका भी 50। पता है ना कि तीसरा बराबर आएगा अगर दो बराबर है तो? ये तो हमने एक सिद्धांत बना लिया ना कि अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा मतलब दो संगत कोण बराबर है तो तीसरा संगत कोण भी इस कोण के बराबर आएगा। और ये वाली जो प्रमेय है वो कह रही है कि आप तीनों कोण जांचो, कोण कोण कोण, और हमें बताया कि दो कोण बराबर है तो तीसरा भी बराबर आएगा, तो हम तीन कोण क्यों जांचेंगे? क्यों हम खाली दो कोण जांच के काम नहीं करा लेंगे अपना? जो काम ये पूरी प्रमेय तीन कोणों को जांचने में कर रही थी उतना ही काम ये प्रमेय करेगी। अगर दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो जाए तो भी वो त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और साथ साथ वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और इस प्रमेय का नाम क्या रख दिया हमने? ए मतलब एंगल, एंगल मतलब कि यदि दो त्रिभुजों में दो संगत कोण आपस में बराबर होंगे तो वो त्रिभुज आपस में समरूप। कोई दिक्कत? अब बताओ ज्यामिति का क्वेश्चन कुछ रह गया? सवाल आएगा आपको दो कोण का बराबर दे दिए तो आपको खाली नाम लिखना रह जाएगा और संगतता का ध्यान रखना पड़ेगा। संगतता का ध्यान रखना है कौन सा कोण बराबर है किस कोण के, तो फिर किस कोण के सामने वाली भुजा किस कोण के सामने वाली भुजा के बराबर। ठीक है, ये बहुत वो वाला वीडियो बहुत ध्यान से 3-4 बार देखना, छोटी सी बात है दिमाग में घुस गई तो समझ लो बहुत पूरा त्रिभुज आसान हो जाएगा। अगला देखते हैं फिर मैं 6.3 के बाद फिर मैं 6.4 उल्टा कर दिया फिर मैं उत्तर कथन लिख रहे हैं। क्या है? यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है किताब से लिख सकते हो आप तो संगत कोण समान होंगे तथा दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। अब इन्होंने उल्टा कर दिया, समझो जरा ध्यान से, ध्यान से समझो। अब इन्होंने कह दिया ये नहीं लिया हमें, उस जगह दो त्रिभुज दिए उनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर है। तो अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होंगे तो संगत कोण बराबर होंगे, और भुजाओं का अनुपात बराबर संगत कोण बराबर त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? यानी फिर वही पहुंच गए कि संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर दे दिया आपको तो आप संगत कोण को बराबर ले लेंगे, और संगत कोण बराबर होते ही दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? इसका मतलब जबकि हमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिया जाएगा हम उन दोनों त्रिभुजों को समरूप ले सकते। तो कौन सी नाम रखा जाएगा इसका? एस 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 समरूपता समझ में आया? इसमें इसके नीचे जो ध्यान है लिखोगे उसमें खाली इतना लिखोगे और सदगंधा है लिखोगे और निष्कर्ष, तो ये वाला भाग एक साथ मतलब इन दोनों को आपस में बदल दोगे, ये इधर आ जाएगा और ये अपनी जगह, इसके नीचे जवाब ये ज्ञात है और सदगंधा है, याद रहेगी इतनी सी बात। कल आगे समझाएंगे 6.4 हो गया 6.5 उसके बाद सवाल करने की स्थिति में पहुंचे पहले। अच्छा इसका कोई इसके लिए